बीते 5 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों का घरों से निकलना भी दूभर हो गया है। वहीं लगातार बारिश से सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं, जो हादसों का सबब बन रही हैं। बरेली में भी तमाम सड़कें बारिश की मार से बेहाल हो चुकी हैं, जिनमें पानी भर जाने से राहगीर अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि गड्ढा कितना गहरा है, जिसकी वजह से लोग हादसों का शिकार होकर चोटिल हो रहे हैं। बात करें चौपला से किला जाने वाले रोड की, तो यहां पंजाब नेशनल बैंक के पास और सिटी स्टेशन के सामने की रोड जानलेवा हो चुकी है। पानी भरे गहरे गड्ढों में गिरकर राहगीर चोटिल हो रहे हैं। इसके अलावा कार और बड़े वाहन गड्ढों में फंस जा रहे हैं, जो बीते 2-3 दिनों में कई ई रिक्शा पलट चुके हैं, जिनमें बैठी सवारियों को भी गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने फिर भी कोई सुध नहीं ली। वहीं लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए किसी ने इस टूटे रोड को एक तरफ से बल्लियां लगाकर बंद कर दिया। आपको बता दें कि इस रोड को कई बार सही भी कराया गया, लेकिन रोड पास से 6 महीने भी टिक नहीं सकी, जिसके चलते अब ये रोड हादसों का सबब बन रही है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा शहर में तमाम जगहों पर बिजली की लाइन डालने के बाद गड्ढों को ऐसे ही छोड़ दिया गया, जो बारिश में लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। नोवेल्टी चौराहे पर भी कुछ ऐसा ही मंजर है, जहां बिजली की लाइन डालकर गड्ढों को ऐसे ही छोड़ दिया, जिससे गिरकर लोग चोटिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीती शाम बरावफात का जुलूस निकलने के दौरान कई अकीदतमंद इन गड्ढों में गिरकर घायल हो गए, साथ ही कई गाड़ियां भी फंस गईं। कहने को तो बरेली स्मार्ट सिटी है और शहर को स्मार्ट बनाने के लिए कार्य भी कराए जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। अब तब से कोई हालात नहीं है, एक्सप्रेस वे के रोज चोटे हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। हाँ, आज तो दो वो पलटे हैं, जी टुक टुक छोटा हाथी। अच्छा, कोई एक लेडीज का पैर भी टूट गया आज। कितने बजे की घटना है ये? अभी 1.5 घंटा हुआ है, और कल एक पलटा था, उसमें भी एक का पैर टूट गया था। तो ये शिकायत नगर स्थानीय सभा से कोई देखभाल नहीं करने आ रहा है? नहीं, अभी कोई सुनवाई नहीं, पेपर में तो डेली निकल रही है, और हो कुछ नहीं रहा। ये काफ़ी गड्ढे गहरे हो गए थे, खूब बड़े बड़े गड्ढे, जिसमें कि जो गाड़ियाँ आ रही थी सब फंस जा रही थी, और जैसे फंसने के बाद निकालने के लिए बहुत ही कोई ट्रक वगैरह बुला के तो निकलने रहती है। और ये कब लगा था बैरिकेडिंग? ये आज सुबह 10-11 के टाइम पे। ये स्थानीय लोगों ने लगाया या किसी शास्त्रीय प्रशासन का अधिकारी? पता नहीं, ये भी बहुत कार वाले भैया आए थे, उन्होंने लगाया है। ये नहीं पता चला कि उन्होंने लगवाया? दोनों साइड से बंद कर दिया गया? हाँ, दोनों साइड से बंद कर दिया। काफ़ी बड़े गड्ढे हैं, काफ़ी गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, और जो जितनी गाड़ियाँ गिरी थी उनकी सब नंबर प्लेटें वगैरह सब गाड़ी की टूट फूट बहुत हुई है। ठीक। ये बिजली की लाइन के लिए खुदे थे फिर? और रात बारफात का जल्दी, उसमें कई लोग में इसमें हादसा हुआ, गाड़ी गिरने से तो मैं छाते से लोग गिर गए, कहीं गाड़ियाँ फंस गई, इन गड्ढों कोई गौर नहीं हुई। आपने कहा था किसी से? कहा था जो लोग काम कर रहे थे यहाँ पे,